गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. वेलकम बैक आवर ऑनलाइन क्लासेस. अकॉर्डिंग टू टेबल टुडे सब्जेक्ट हिंदी. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ रीड करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. ओके, देखिए पहले आप देखिए. चित्र देखकर पहला अक्षर लिखे एम रंग भरे. ये देखिए, चित्र देखकर पहला अक्षर लिखे और रंग भरे. ठीक है, मान लीजिए कलर्स तो आप अपने मन से कर सकते हैं और इसमें कलर करना पॉसिबल नहीं है ऑन स्क्रीन. तो पहले देखिए इसको करना क्या है. देखिए, चित्र देखकर पहला अक्षर लिखे और रंग भरे. हमें क्या करना है, इसमें चित्र जो ये फ़ोटोज़ बने हुए हैं, ये जो फ़ोटो हमारे बने हुए हैं, इसको हमें देख के उसका पहला अक्षर, जो पहला अक्षर आएगा वो हमें राइट करना है. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट इसका क्या है और कैसे होगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए ये किसकी किसकी फ़ोटो बनी हुई, किसका चित्र बना हुआ है. ये आ से आम, ये किसका है, आ से आम, आ से आम की पिक्चर बनी हुई है. तो पहला अक्षर आ से आम में क्या आएगा, आ, क्या आएगा, आ. तो यहाँ हम लोग क्या राइट करेंगे, आ. तो हम लोग इसको बहुत आ से आम, ये हम लोगों ने आ बना दिया. ठीक है, ये हो गया आ से आम. ओके, अब नेक्स्ट दूसरा देखते हैं. ये देखिए, ये जो पिक्चर बनी हुई है ये आपको किस चीज़ की पिक्चर नज़र आ रही है. ये एक घंटी, बेल की तरह बनी हुई है ना, घंटी बोल दीजिए इसको. ये मंदिरों में लगी होती है, स्कूलों में भी, कई स्कूलों में भी लगी होती है. तो घ से घंटी, घ पहला अक्षर क्या है, घ. सो हम लोग यहाँ राइट क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग घ राइट करेंगे. यहाँ पे हम लोगों ने देखिए मैंने घ राइट कर दिया एकदम अच्छे से. ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. ये देखिए, ये नेक्स्ट हमारा कैसे क्या बना हुआ, किसकी पिक्चर बनी हुई है. ये हमारी ऐसे कह लीजिए तो ये हमारा गाजर, किसकी पिक्चर बनी हुई, गाजर. गाजर का पहला अक्षर क्या हो रहा है, देखिए जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, गा ज र. ये देखिए सब में अप्लाई होगा इसी तरीके से, जो पहला अक्षर है. तो गाजर का ये हमारा पहला अक्षर ग है. पहला अक्षर क्या है, ग है. तो हमें पहला अक्षर ग राइट करना है. तो हम लोग क्या राइट करेंगे, ग. चलिए हम लोग राइट करते हैं गाजर, ग राइट करते हैं. ये हमने राइट कर दिया, ये हमारा राइट हो गया ग. ठीक है, क्या राइट हो गया हमारा, ये ग. गुड, अब नेक्स्ट देखिए, ये क्या है हमारा, बैग है, स्कूल बैग या बस्ता बोल लीजिए हिंदी में इसको. तो ये क्या है, ये हमारा बस्ता है, बैग है. ठीक है, बैग है. तो दोनों में सेम ही, इक्वल ही साउंड है फर्स्ट वाला जो है. तो यहाँ ब से हम लोग बैग लिखते हैं, ब से ये हमारा क्या हो गया, बैग हो गया. ये ब लिख दिया हमने यहाँ पे. ठीक है, ये हमने अच्छे से यहाँ पे बैग लिख दिया, बॉ लिख दिया. नेक्स्ट ये देखिए, ये किस चीज़ का वो है, ये बरगद है. क्या है, बरगद है या पेड़ मान लीजिए, इसको पेड़ ही बोल देते हैं. ये क्या है, ये ट्री बनी हुई है. क्या बनी हुई है, ट्री बनी हुई है. तो यहाँ पे प से पेड़, यहाँ क्या राइट करेंगे, प. क्या राइट करेंगे, प. हम लोगों ने प अच्छे से राइट कर दिया यहाँ पे. यहाँ पे क्या हो गया, प राइट हो गया हमारा. ओके ओके, नेक्स्ट देखिए क्या करते हैं. ये देखिए यहाँ पे, ये किसकी पिक्चर बनी हुई है, जिससे हम लोग राइटिंग करते हैं ना स्कूल में, आप राइट करते हो कॉपी पे. ये पेंसिल है, ये क्या है हमारा, पेंसिल. तो पेंसिल का भी क्या है, पहला अक्षर प. यहाँ देखिए पहला अक्षर प आया है. ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, देखिए ये क्या है, टी. ये क्या है, टी है. लेकिन टी है किसमें, कप में है. टी किसमें है, कप में है. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कप का पहला अक्षर क. क्या लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे यहाँ क. देखिए कप लिख दिया हमने. ओके गुड, और ये देखिए क्या है, ये जहाज है. क्या है, जहाज. क्या है, जहाज है. जहाज पानी में, एक पानी वाला जहाज होता है, एक ऊपर जो प्लेन उड़ती है वो होता है. लेकिन ये पानी वाला तो है नहीं, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ज. ज मीन्स जहाज, जहाज. ठीक है, गुड. नेक्स्ट देखिए ये क्या है, ये हमारा पत्र है. ये मान लीजिए लिफाफा है, ये हमारा पत्र है, लिफाफा है. ये क्या है, लिफाफा, इनवलप है, जिसमें हम लोग चिट्ठी लेटर्स वगैरह रख के सेंड करते हैं, वो है. यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे,
ल ल से यहाँ लिफाफा हो गया, ये ल हमने बना लिया, ठीक है, गुड। और नेक्स्ट क्या बचता है, ये हम लोग इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ये हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, बारिश में। तो ये छः से क्या हो रहा हमारा, ये छः से हमारा छाता हो गया, छः से छाता हो गया, हो गया छः से छाता, ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग पे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, ये भी हमारा एकदम सेम है, ठीक है, सेम है। यहाँ पे भी हमारा सेम वही प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ पहले क्या है, क से कमल, क से कमल, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग क लिखेंगे, यहाँ हम लोग क लिखेंगे, ठीक, वेरी गुड। अब देखिए म से मछली, क्या है, म से मछली, तो यहाँ हम लोग क्या राइट करेंगे, पहला अक्षर मछली का क्या है, म, क्या है, यहाँ हम लोग राइट कर दिया म, म राइट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर हमको किसकी पिक्चर मिल गई, आम की पिक्चर मिल गई, किसकी मिल गई, आम की, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, आ से आम, आ से आम, गुड। और देखिए ये नीचे क्या है, ये क्या है, इसकी किस किसकी पिक्चर बनी हुई है, ये नौ से नल, किसकी पिक्चर बनी हुई हमारी, नौ से नल, नौ से नल, तो यहाँ हम लोग पहला अक्षर क्या लिखेंगे, नल, पहला अक्षर क्या लिखेंगे, इसको हम लोग बहुत अच्छे से प्रॉपर बनाते हैं, नौ से नल, ठीक। अब देखिए नीचे, देखिए नीचे क्या, पीकॉक दिख रहा है, मोर दिख रहा है, मोर, तो म से क्या होगा हमारा, म से मोर, यहाँ क्या राइट करेंगे हम लोग, ये म से मोर हो गया, म से मोर, मयूर, यही होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ऊपर देखते हैं, ये किसकी पिक्चर, ये स से शलजम है हमारा, स से शलजम, तो पहला अक्षर क्या लिखेंगे हम लोग, स, तो हम लोगों ने ये वाला स बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स से शलजम हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बॉल है, आप लोग खेलते हैं, ये हमारा फुटबॉल है, ये हमारा क्या है, फुटबॉल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये बॉल है या फुटबॉल, ये कि बॉल ही समझिए इसको, तो हम लोग ब से बॉल, नहीं ग से गेंद होगा, ब से बॉल नहीं, ग से गेंद होगा, यहाँ पे हम लोग का ग से गेंद हो गया, ओके। यहाँ पे हम लोग फुटबॉल का फॉल लिख देते हैं ना, फुटबॉल का फॉल लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, फ से फुटबॉल हो गया, पहला अक्षर ये हो गया, ठीक। अब नीचे देखिए क्या है, नीचे देखिए क्या है, ग्रैप्स, ये क्या है हमारा, ग्रैप्स, अंगूर बने हुए हैं ना, अंगूर, तो अंग से क्या लिखेंगे हम लोग, अंगूर का पहला अक्षर अंग, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, ठीक है, गुड। अब देखिए, अब नीचे देखिए, नीचे क्या बना हुआ है हमारा, नीचे बना हुआ है जग, क्या बना हुआ है, जग, ज से जग, ज से जग, ये देखिए यूँ इस तरीके से, जो हम लोगों ने यहाँ पे ज लिख दिया, क्योंकि पहला अक्षर हमारा ज है, पहला अक्षर क्या है हमारा, ज है, ठीक, गुड। अब देखिए ये नीचे देखिए, अभी किसका ये क्या है, पाम बना हुआ, ये हथेली बनी हुई है ना, पंजा जिसको बोलते हैं, पंजा, ये जो हमारा हाथ है, हाथ के जो ये पूरे फिंगर्स हैं जहाँ, वो हमारा पंजा होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प से पंजा, क्या लिखेंगे हम लोग, प से पंजा, ठीक है। देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, और आपको समझ में आ गया ना ये कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए एक और है, एक और देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये जैसे आप देखिए, ये हमारा है चित्र, देखकर यहाँ भी शब्द का पहला अक्षर वही सेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये किसका पिक्चर बना हुआ है, ये पतंग है, तो किससे पतंग होता है, प से पतंग होता है ना, तो यहाँ क्या राइट करेंगे हम लोग, प से पतंग, प से पतंग, ठीक, गुड। अब देखिए यहाँ पे पहले से फील है, ख से खरगोश फील है ना, हाँ। अब देखिए ये क्या है, छ से छाता, तो हमें यहाँ क्या फील करना है, छ फील करना है, क्या फील करना है, छ फील करना, हम लोगों ने छ बना दिया यहाँ पे, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए नीचे क्या है, अ से अनार, अ से अनार, ये देखिए रेड रेड है ना, ये अनार बना हुआ है ना, अ से अनार, तो हम लोग यहाँ क्या राइट करेंगे, अ राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, अ से अनार ना, गुड। अब देखिए अब नीचे क्या बना हुआ है, ये किसकी पिक्चर, ये चरखे की पिक्चर है, किसकी पिक्चर है, ये चरखे की पिक्चर है, तो देखिए च से, किससे चरखा होता है, च से चरखा होता है ना,
च से चरखा, तो हम लोग क्या यहाँ राइट करेंगे, च से चरखा, क्या राइट करेंगे हम लोग, च से चरखा, ओके, च से चरखा। नेक्स्ट अब देखिए फिर से यहाँ पे हमारा क्या आ गया, क से कमल, क्या आ गया हमारा, क से कमल, तो हम लोग यहाँ क्या राइट करेंगे, क राइट करेंगे, हम लोगों ने ये क राइट कर दिया, ठीक है, ये हमने क राइट कर दिया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है ये हमारा, ये हमारा यज्ञ है जिसमें हवन होता है, हमारे यहाँ जब पूजा होती है तो हम लोग हवन करते हैं ना, हवन सामग्री जो आती है मंदिर वगैरह में, हर जगह जहाँ पूजा होती है वहाँ हवन भी होता है, तो यहाँ पे उसको हवन को हम लोग, ये देखिए ये क्या है, ये यज्ञ कुंड है हमारा, ये क्या है, यज्ञ जिसमें हवन सामग्री डाली जाती है, तो य से यज्ञ, ये क्या है, य से यज्ञ, ठीक है। फिर देखिए ये क्या बना हुआ है हमारा, देखिए फिर से यहाँ पे हम लोग ने आ से आम, ये आम बना हुआ है, तो यहाँ क्या राइट करेंगे, आ से आम, आ से आम, आ लिख दिया हमने, ठीक है। और नीचे आइए देखते हैं, नीचे हमारा क्या है, ये हमारा है ग से गमला, ये पॉट बना हुआ है, ये गमला बना हुआ है ना, गमला बना है सब जहाँ लोग प्लांट लगाते हैं, छत पे लगाते हैं और घर के बाहर लगाते हैं, आंगन में लगाते हैं, तो ये क्या हो गया, ग से गमला, तो हम लोग क्या राइट करेंगे, ग से गमला, क्या राइट करेंगे, ग से गमला, ठीक है। फिर नीचे देखिए ये हमारा क्या है, डमरू, क्या है हमारा, डमरू, जो मदारी लोग आते हैं वो डमरू बजाते हैं ना, अपना खेल दिखाते हैं, जो फिर मंकीज लाए होते हैं या फिर कोई चीज़ लाए होते हैं उससे अपना खेल दिखाते हैं, तो क्या बजाते हैं, ड से डमरू, क्या बजाते हैं, ड से डमरू, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ड, ये देखिए हमारा ड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट ये नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट उल्लू है, क्या है, उल्लू, उल्लू का उ पहले से ही यहाँ पे फिल हुआ है, ठीक है, उल्लू का उ यहाँ पहले से फिल हुआ है हमारा, ठीक है। तो नीचे आइए, नीचे देखते हैं नेक्स्ट लास्ट कौन सा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे है, ये क्या बना, चेस बना हुआ है, शतरंज, क्या बोलते हैं इसको, शतरंज, शतरंज बना हुआ है। चलिए देखते हैं ये शतरंज का हम लोग क्या फिल करेंगे, शतरंज का पहला अक्षर क्या फिल करेंगे, स, श, क्या फिल करेंगे, श, आइए हम यहाँ श फिल करते हैं, ये हमारा श हो गया, ठीक है, ये हमारा स हो गया, यहाँ पे श से शतरंज, ये क्या हो, देखिए फिर से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, प से पतंग, ख से खरगोश, छ से छाता, अ से अनार, च से चरखा, क से कमल, य से यज्ञ, आ से आम, ग से गमला, ड से डमरू, उ से उल्लू एंड श से शतरंज। और नेक्स्ट वाली इसमें क्या करते हैं हम लोग, फिर देखिए यहाँ पे क से क्या था हमारा, क से कमल, और यहाँ से म से मछली, आ से आम, न से नल, म से मोर एंड स से सलजम, फ से फुटबॉल, अंग से अंगूर, ज से जग एंड ये प से पंजा, ठीक है, ये हमने पहले जो फिल कराया वो हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट आइए देखते हैं, ये देखिए आ से आम, ये हमारा क्या है, आ से आम, घ से घंटी, ग से गाजर, ब से बस्ता, प से पेड़, प से पेंसिल, क से कप, देखिए टी है ना, ज से जहाज, ल से लिफाफा एंड छ से छाता, ये क्या होगा हमारा, छ से छाता, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके, थैंक यू।